खबर। लोक निर्माण विभाग महाराष्ट्र राज्य इन दिनों भ्रष्टाचार के चरम पर है। लगभग राज्य में हर सड़कों के निर्माण कार्य पर बड़े पैमाने पर रास्तों का पूर्ण निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार का बड़े पैमाने पर निधि खर्च हो रहा है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने से कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के लोक निर्माण विभाग में देखने को मिला है। आइए जानते हैं सड़क निर्माण के कार्य के बारे में। इस वक्त हम लोग मौजूद है गोंदिया जिले और भंडारा जिले के जो जिला की सीमा को रास्ता जो द्विभाजता है उस रास्ते पर खड़े हैं। और जैसा कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरे पीछे जो सड़क का निर्माण हुआ है, यह निर्माण लोक निर्माण विभाग मोरगांव अर्जुनी के तालुका के तहत किया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य में किस तरीके की अनदेखी की जा रही है, कॉन्ट्रैक्टर अपने मन मर्जी से काम कर रहा है और जो अभियंता है, जो इस विभाग के जिम्मेदार अभियंता है, वो इस कार्य के मौजूद नहीं है और उन लोगों की अनदेखी के तहत ये जो भंडारा और गोंदिया ज़िले में जो रोड का काम चल रहा है, इस काम में मिस्टर सोनू ने, जो कि उपविभागीय अभियंता मोरगांव अर्जुनी के हैं, और उनके जो सहकर्मी अभियंता है वो भी नदारद है। आइए अब देखते हैं हम सामने इस रोड पर क्या क्या किस किस तरीके से काम किया जा रहा है। यह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग का कोई भी कर्मचारी इस जगह मौजूद नहीं है। उपविभागीय अभियंता सोनू ने और उनके सहकर्मी अभियंता, वो भी इस जगह मौजूद नहीं है। ठेकेदार अपनी मनमानी की तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहा है। आइए हम देखते हैं इस रोड पर जो काम चल रहे हैं वो किस तरीके के काम किए जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं इस रोड के लोक निर्माण विभाग की ओर से जो रोड बनाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रोड में सड़क में इसकी थिकनेस जो कि काफ़ी कम है, और ये रोड जो बनाया जा रहा है ये नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा है। लगभग इस रोड का जो निर्माण कार्य हो रहा है इसमें इन्होंने लाया वाइब्रेटर रोलर जरूर लाया हुआ है, लेकिन वाइब्रेटर रोलर से काम न लेते हुए आप मेरे पीछे के साइड में देख सकते हैं, वहाँ सादा वाला रोलर लगाया हुआ है। और लगभग ये जो काम है यह गुणवत्ता के बाहर काम किया जा रहा है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम रखी गई है। कॉन्ट्रैक्टर अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कर रहा है और जैसा उसे लग रहा है उस तरीके से काम कर रहा है। आखिर ये सड़क कितने दिन टिक पाएगी, यही हमारा सवाल है, जनता का सवाल है। जैसा कि हम जो इस रोड के निर्माण के कार्यों को देख रहे हैं, ये जो इसकी थिकनेस है जो है वो काफ़ी कम है, और अभी हमने जिस अधिकारी के जो सुपरवाइजर है, जो लोक निर्माण विभाग की ओर से हमने जो कार्य के लिए यहाँ मौजूद है, वो बंदे को हमने जब पूछा तो वो देखिए वो कैसे भाग रहा है, वो देखिए वो भागते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बंदे ने इसमें कहीं ना कहीं झोल किया हुआ है और ये जानकारी देने से मना कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस लोक निर्माण के विभाग के जो सड़क निर्माण का कार्य है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जिस जगह ना ही कार्यकारी अभियंता, ना ही उपविभागीय अभियंता और ना ही शाखा अभियंता, ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है। एक क्लर्क है, जो क्लर्क हमने अभी आपको दिखाया है, वो क्लर्क भाग रहा है। वो इस जगह का निर्माण के कार्यों को देखने के लिए, सुपरविजन के लिए रखा गया है, लेकिन वो भी हमें जानकारी देने से मना कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हम हमेशा सच के साथ होते हैं। दोस्तों, दर्शकों, हम लोग जो बता रहे हैं आपको, ये सड़क के कार्य में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, और इसी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस जगह ना ही उपविभागीय अभियंता और ना ही शाखा अभियंता मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर मनमाने तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।